थी और अब ये हमारी तारीख का तारीखी विरसे के तौर पे इस वक्त महफूज है। वो ऐसे पहलू तय नहीं की जा सकती। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की जो ब्लिस्क है एन इसके पहलू में वाक़ है। ऊपर 100 फीट हाइट है और हमारे रहीम, मैं यहाँ पे टैक्सला में आया हूँ और यहाँ पे एक यूनिक सी चीज़ का तारफ आप लोगों के लिए, जो टैक्सला और वाह कैंट में रहने वाले लोग हैं बहुत सारे इस जगह से वाकिफ नहीं है। तो ये मार्गला की जो पहाड़ी है जहाँ पे ब्लास्टिंग होती रहती है उसके साथ एक हिस्टोरिकल जगह है और ये आपको बैक साइड पे नज़र आएगा। तो ये एक मोन्यूमेंट सा बना हुआ है और ये लॉर्ड निकोलसन के नाम से मशहूर है, लॉर्ड निकोलसन का मोन्यूमेंट, और बहुत सारे लोग इसको दरबार भी समझते हैं। तो अभी आज इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसको ब्रीफ करने के लिए, इसकी हिस्ट्री को ब्रीफ करने के लिए मैं मालिक उश्तर साहब को साथ लाया हूँ। ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हाइकिंग फेलो हैं और टैक्सला से इनका तल्लक है और ये अभी रिटायर भी हो चुके हैं लेकिन माशाल्लाह हाइकिंग बड़ी फिट करते हैं। तो इनको मैं अपने साथ लाया था कि इस जगह का जो है वो हमें थोड़ा सा तारफ कराएं। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन, ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की जहाँ पे ओबेलिस्क वाक़ है उसकी एतराफ का आपको एक अजमाली सा तारफ करवा दूँ। इसके पहलू से एक सड़क यहाँ पे आपने देखा है कि ये जा रही है, इसका 110 मीटर का कुछ जो है पोर्शन वो इस वक्त महफूज किया हुआ है। ये शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी ईस्वी में बनवाई थी और इसको पुख्ता कराया था। इसके साइड में रिटेनिंग वॉल्स भी बनवाई गई हैं, उसने जा बजा इसके साथ सरायें बनवाई, दरख्त लगवाए, पानी के कुएँ भी खुदवाए थे ताकि अपनी जो 500 साल उसकी जो 5 साल जो हुकूमत थी उसको अपने ज़ेर नगी रखने के लिए उसने खासे तामीराती काम किए थे। ये सड़क उसने आयन उसी रोड पर बनवाई थी जिसे 4वीं सदी कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वज़ीर आज़म कोटलिया चांकिया के मशवरे से तामीर किया था। उस वक्त ये तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबी थी जो अफ़गानिस्तान तक जाती थी। उसने भी यहाँ पे सराएं और इसी तरह की साथ दरख्त लगवाए, फलदार सायादार और कुएं भी खुदवाए थे। और उससे पहले अख़मेनियन आयत में भी यही सड़क चलती थी जब ये कंधारा की सिविलाइजेशन का टेक्सला हिस्सा था। तो डायरियस वन ने इसको इस सड़क को तामीर किया था। ये उस दौर से चली आती है इसलिए इसकी तारीखी अहमियत से पहलू तय नहीं की जा सकती। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की जो ब्लिस्क है एन इसके पहलू में वाक़ है और ये मरगला नामी पहाड़ी के ऊपर स्थाता है। इसको यहाँ पे एक ब्रेक दी। ये ओबेलिस्क 1866 में उस वक़्त के वायसराय लॉर्ड डलहौज़ी ने बनवाई थी और ये ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की
उसकी यादगार के तौर पे इसे तामीर किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन 1822 में आयरलैंड के शहर लिस्बन में पैदा हुआ था। फिर उसने रॉयल आर्मी ज्वाइन की और सबसे पहले इसने 1840 की जो पहली एंग्लो अफगान वार थी उसमें हिस्सा लिया। फिर 1845 की पहली एंग्लो सिख वार थी उसमें हिस्सा लिया और फिर 1845 की दूसरी सिख वार थी उसमें भी इसने हिस्सा लिया। जो पहली एंग्लो सिख वार थी उसमें ये इसी जगह पे सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ज़ख्मी हुआ था, लेकिन अपनी कमाल महारत और जंगी हिकमत अमली से साफ बाज निकला था। तो उसके दोस्तों ने ये यादगार एन उसी वाकये की याद में यहाँ पे तामीर की थी। ये बड़ा शातिर जैन का आदमी था और बड़ा ज़हीन था और बड़ी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। इसकी विजन इतना विजनरी था कि इसके नाम से यहाँ पे इसके मानने वालों का एक फिरका जो निकल साई के नाम से मशहूर है वो भी वजूद में आया। अच्छा, निकल साई कोच। अच्छा अच्छा जी, कोच निकल सैन भी इसको कहते होते हैं ना? इसको निकल सैन भी कहते हैं और आज जनरली इसको निकल साई कहा जाता है। अच्छा जी, और ये 1980 तक इसके मानने वाले लोग पिशावर में मौजूद थे। फिर जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है ये तालिबानाइजेशन वाला, अच्छा, तो उसमें ये लोग फिर डिसअपीयर हो जाते। तो ये ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन की जानत की वजह से ही ये 1949 में पंजाब का ये ताज बरतानिया के साथ इलाक हो गया था। ये उनकी नौबियादी में शामिल हो गई। अच्छा, और वो उसी की मनसूबाबंदी से ही ये शुमाल मगरबी सूबा सरहद की तश्कील हुई। वो पंजाब के हवाले से सिंध सागर दोआब और रावलपिंडी का पहला डीसी भी बना और कश्मीर का पॉलिटिकल ऑफिसर भी रहा। अच्छा, और वो एक मंजूर नज़र होने की वजह से तरक्की करता हुआ ब्रिगेडियर जनरल के अहदे तक बिलाखिर वो 1857 की जंग आज़ादी में दिल्ली में लड़ता हुआ मारा गया और वहीं पे उसका मदफन भी वहीं है। अच्छा, उसको काला नामी एक मकामी फौजी ने या मकामी था वो जो उसके मुखालिफ उसने कत्ल किया था, जो उसी 1857 की जंग का ही शाखिस्ताना था। ये तो बड़ी यूनिक सी जगह बनती है और यूनिक सी हिस्ट्री है माशाल्लाह। और यहाँ के टैक्सला और वहाँ के जो लोग हैं वो इससे वाकिफ भी नहीं है। और ये जो पहाड़ी है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये तो सारी ख़त्म हो गई ब्लास्टिंग की वजह से। आजकल तो लॉकडाउन है और उसकी वजह से ब्लास्टिंग रुकी हुई है, लेकिन यहाँ पे अक्सर ब्लास्टिंग होती रहती है। और ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है तो ये सारी कट चुकी है और क्रशर मशीनें लगी हुई हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये सिर्फ इसी यादगार की वजह से शायद अभी तक है, नहीं तो ये भी ख़त्म हो चुका होता। तो ये काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, लेकिन नीचे से तो उतना बड़ी बिल्डिंग नज़र नहीं आती। ये साइड से आप देख सकते हैं कि जीटी रोड है और उसके पीछे एक डैम आपको नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से कानपुर डैम से पानी आता है और इसमें स्टोर किया होता है और यहाँ से फिर इस्लामाबाद को सप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ से गुज़रने वाले बहुत सारे लोग जो जीटी रोड से गुज़रते भी हैं वो इस जगह से, इस डैम से बिल्कुल भी नाशना हैं। और ये पहाड़ी आप देख सकते हैं ये सारी ब्लास्टिंग की वजह से ख़त्म हो चुकी है। कभी यहाँ पे इस सारी जगह पे पूरी की पूरी पहाड़ी थी और अब ये आप देख सकते हैं कि ख़त्म होगी। और ये वो मोन्यूमेंट है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और ऊपर भी जाने की कोशिश करेंगे अगर ऊपर से जाके पिक्चराइजेशन हो सके।
तो इस रीजन का बड़ा अच्छा व्यू आएगा। ये सामने सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और इस पे पूरा आप देख सकते हैं, कुछ स्टेयर की वजह से जो है वो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। और यहाँ पे ये जो सर ने जैसे अभी तारफ कराया था मलिक उस्ताद साहब ने, ये सारा यहाँ पे काबुल वार का, फिर फर्स्ट सिख वार 1845, फिर सेकंड सिख वार 1848, और फिर उसके बाद फिर 1857 उसकी डेथ का। ये काफ़ी हाइट पे है ऊपर, और एक्चुअली हमारे पास लाइट भी नहीं है और ये स्टेयर का भी कोई एतबार नहीं है, इस वजह से हम ये सोचते हैं कि ऊपर ना ही जाए। तो बहरहाल यहीं से वापस जाते हैं, और ऊपर से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे स्नेक है। तो बहरहाल लाइट हमारे पास नहीं है तो नज़र तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि बस यहाँ से ये सीढ़ी के साथ है ना। हाँ जी, यहाँ से ऊपर इससे अंदर से वो जो गैप, अच्छा, ताकि वो पता चले कि यहाँ तक हाइट नहीं, ऊपर तक जा रहे हैं। चमका दो आवाज भी, चमका दो तो चमका दो, सांप खाते हैं जी। अच्छा, उनके बच्चों को ये ऊपर 100 फीट हाइट है और ये टॉप तक जाता है। इंशाल्लाह कभी दोबारा मौका हुआ तो लाइट के साथ आएंगे, और ऊपर से तो खैर अभी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे बैट्स की भी आवाज़ें हैं, और आजकल बैट्स से तो खौफ आता है कोरोना की वजह से, तो इस वजह से बेहतर है कि हम यहीं से वापस ही जाएं, ऊपर ना ही जाएं। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और ब्लास्टिंग की वजह से इसको काफ़ी डैमेज हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद इसके सर्वाइवल की ये वजह है कि इसको ग्रेनाइट स्टोन से तामीर किया गया है और इसके अंदर ब्रास की पिने पिघला के डाली गई हैं। इसकी 100 फुट से ज़्यादा हाइट है, और अंदर ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी भी बनी हुई है, और सीढ़ी के अख्ताम पर एक बालकनी सी है जहाँ से फिर ये सारे रीजन का व्यू भी नज़र आता है। इसके अलावा लाइटनिंग प्रोटेक्शन राड भी है, ताकि अगर कोई आसमानी बिजली से भी इसको महफूज रखने की कोशिश की गई है। ये बिल्डिंग या ये यादगार वायसराय हेनरी लॉर्ड डलहौज़ी और उसके दोस्तों ने ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन की यादगार के तौर पर तामीर की थी, और यह इसकी तामीर 1866 में मुकम्मल हुई थी, और अब ये हमारी तारीख का तारीखी विरसे के तौर पे इस वक्त महफूज है। वो कि ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन हमारा कौमी हीरो नहीं है, लेकिन ये यादगार उन दिनों के वो हमें याद दिलाती है
जबकि हमारी जब बरे सगीर ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था, और जो वहाँ उस वक्त की जो वाक़ियात दरपेश आए उसकी एक दस्तावेज़ के तौर पर भी ये मौजूद है, ताकि आने वाली नस्लें इससे इस्तफादा कर सकें। मैं इस वक्त ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकल्सन की ओबलिस्क के से मुतसिल ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ, और मेरे ऐन पीछे आपको एक पानी का ह्यूज रिजर्वायर नज़र आ रहा है। ये खानपुर डैम से एक नहर लाई गई है इसमें, जिसका पानी यहाँ पे स्टोर करके इस्लामाबाद को सप्लाई किया जाता है। ये मरगल्ला की पहाड़ियों के ऐन पहलू में वाक़ है ये जगह, और मरगल्ला की वजह तस्वीर भी मैं बताए देता हूँ कि इसका सबसे पहले जो जिक्र है ये सबसे पहले जो बुक्स में हमें जो इसका तस्करा मिलता है वो किताबुल हिंद में है, जो कि सुल्तान महमूद गजनवी के साथ उसके एक मशहूर तारीखदान थे जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने इसका तस्करा किया है और उसे मरगल्ला के नाम से ताबीर किया है। इसके अलावा इसकी वजह तस्मिया कि ये भी बनती है कि यहाँ पे सांप बहुत पाए जाते हैं, तो उनकी मरगल्ला नेम की एक वजह तस्मिया ये भी बताई जाती है कि मार का मतलब पश्तो में और पर्शियन में स्नेक को कहते हैं, और गल्ला का मतलब हर्ड यानी ज़्यादा तादाद में, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप होते हैं तो इस वजह से भी इसको शायद मरगल्ला नाम रखने की ये भी रीज़न हो सकती है। इसके अलावा ये जो दर्रा है ये क्योंकि छोटी सी घाटी है और यहाँ पे छापा मार कार्रवाइयाँ होती थी और डाकू लोगों को लूट लेते थे और उनको गला घोंट के मार देते थे, तो इस वजह से भी इसको जो है वो मरगल्ला कहा जाता है, जिसका मतलब मार का मतलब मारना और गला उससे गला घोंट के मारना, तो उस बेस पे भी इसको मरगल्ला जो है वो नाम दिया जा सकता है। अब हो गया। इसके अलावा एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये हमालिया जो जिसका हमालिया का ये सिलसिला नेपाल से शुरू होता है, जो कि बुद्धा की जाए पैदाइश भी है, और यहाँ पे आके ये टेक्सला में फिर इख्तिताम पजीर होता है। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई है। अच्छा, यानी ये हमालिया का डेड एंड यही बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बाद पहाड़ी सिलसिला ख़त्म हो जाता है, और ये जिस साइड से पहले अभी आपको डैम और ये बाकी सारी चीज़ दिखाई थी, तो इस साइड पे ये आगे इस्लामाबाद है मरी, फिर ये सारा सिलसिला आगे नॉर्दर्न एरिया तक चलता रहता है, और नॉर्दर्न एरिया में एक बोंजी एक जगह है जहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और फिर नेपाल तक ये जाता है और ये इसका डेड एंड है। ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई है मालिक उस्तर साहब ने। सैयद आदि हुसैन शाह हमारे यहाँ के मकामी एक समाजी शख्सियत हैं, क्योंकि उनका यहाँ आना जाना रहता है, यहाँ पे क्रश मशीन्स वगैरह भी हैं, तो निकलसाई के फिरके के हवाले से उनके कुछ जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पे गाहे गाहे चक्कर लगाते रहते हैं, जो इनके नोटिस में भी आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके उससे भी इस्तेफादा किया जाए। तो आदि हुसैन शाह, पेशावर में बाकायदा एक फ़िरका था जो निकल साई के पैरोकार हैं और बहुत ज़्यादा रूहानी अकीदत रखते हैं, और वो गाय बगाए यहाँ पे विज़िट भी करते रहते हैं। बीच में जब तलबनाइजेशन का ज़रा ज़्यादा ज़ोर था उस वक्त फिर वो आना ख़त्म हो गए थे, और अभी पिछले दिनों भी मैंने देखा था कि वो लोग आए हुए थे, वो फिर खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर लाते हैं और मेले जैसा समां होता है यहाँ पर, तो इसको इस जगह से उनको रूहानी अकीदत है और वो निकल साई को पीर मानते हैं। दो महीने बाद 15 दिन बाद आना जाना लगा रहता है, और साथ खाने पीने की चीज़ें भी जाते हैं, और पेशावर से उनका तल्लक है, मैंने एक दो दफ़ा पूछा भी है, और वैसे वो पख्तून भाई लगते हैं इससे।